अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आज किस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज फिर हम 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल नंबर 4 देखेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट में कह रहा है, दो चार्जेस जब 5 सेंटीमीटर के फासले पर पड़े हों तो वो एक दूसरे को 0.1 न्यूटन की फोर्स से दफा करते हैं। भाई फासला अगर 5 सेंटीमीटर है चार्जेस के दरमियान तो वो 0.1 न्यूटन की फोर्स से दफा हो रहे हैं, ठीक है। इन चार्जेस को क्या करना है, इन चार्जेस के दरमियान फोर्स की कीमत मालूम करें। ये जो दो चार्ज हैं इनके दरमियान फोर्स वाली कीमत हमने फाइंड करनी है। फासला कितना है, 2 सेंटीमीटर का फासला हो तो फिर हमने ये वाली फोर्स की कीमत मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर लें, साथ वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हर एजुकेशन के बारे में नई वीडियो पहले से पहले मिल सके। तो ये देखें, हमें फोर्स दे रहा है 0.1 न्यूटन की, ठीक है। तो इसके बाद हमें दे रहा है फासला कितना दे रहा था, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि फासले का यूनिट होता है मीटर। हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 पे डिवाइड करेंगे, 0.1 आ जाएगा, 0.05 मीटर। के हमें कांस्टेंट होता है 1/4πε0, ये वाली कीमत होती है 9×10^9, ठीक है। तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए, एफ इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 और R2, या कांस्टेंट ले लेते हैं 1/4πε0 को, ठीक है। तो हमने अब पहले क्या करना है, क्यू फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है, क्योंकि हमने फोर्स मालूम करनी है। फोर्स के लिए हमें पहले क्या करना होगा, चार्ज फाइंड करना होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले Q1 Q2 मालूम करेंगे। तो हमें Q1 Q2 दिया हुआ नहीं है, तो देखें ये R² नीचे डिवाइड हो रहा है तो इधर आके ज़रब हो जाएगा FR², ठीक है। ये वाला, ये देखें K, हमने ये दोनों सेम रखने हैं ना, ये हमने फाइंड करने, तो ये भी हमें उधर लेके जाना पड़ेगा, तो डिवाइड कर देंगे इधर भी इधर भी, तो इधर आ जाएगा डिवाइड हो गया FR² और K, ठीक है। तो इधर Q2 कैसे आ गया, Q1 और Q2 Q² कैसे, दो चार्ज है ना Q1 Q2, तो Q² पे दो चार्जेस बन गए। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं, F की वैल्यू थी 0.1 न्यूटन, R की हमने निकाली है 0.5, इसका स्क्वायर क्योंकि R² है, ठीक है। तो ओवर ये K की क्या वैल्यू क्या थी, K की वैल्यू थी 9×10^9, ठीक है। तो 0.1 इसके हम स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 0.0025×9×10^9, ठीक है। इसको क्या किया है, ये 9 वैसे वैसे खड़े हैं, 10^9 प्लस जो था ऊपर आके ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। यहाँ से आगे देखें, हमने 2-3 स्टेप इकट्ठे कर दिए, आपने ज़रा गौर से करना है इन दोनों को, क्या करना आपने पहले ज़रब करना है, ठीक है। क्या ज़रब करना है, 0.1×0.025, ठीक है। इसको आपने ज़रब करके फिर क्या करना है, 9 कर देना है डिवाइड, तो आपके पास आ जाएगा 2×8×10^-5, या क्या आ जाएगा, इसके साथ 2, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 2 के साथ 4, 0, फिर इशारिया आ जाएगा, भाई 0.00028 आ जाएगा, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2×8×10^-5, 0×10^-9 वैसे का वैसे, यह आ जाएगा 2×8×10^-14, ये 9 और 5 आपस में मिल जाएंगे क्योंकि बेस सेम है, पावर आपस में ऐड, -14। अब हम क्या करेंगे, अब हमें दी गया था 2 सेंटीमीटर का फासला, ठीक है। तो कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 0.02 मीटर बन गया। Q2 दोनों हमने जो क्यू ले हैं वो कितने निकाले हैं, 2×8×10^-14 भी हमने निकाले हैं, ठीक है। इसके बाद फार्मूला में पुट करेंगे, क्योंकि हमने फोर्स मालूम करनी है तो फार्मूला सेम यूज़ होगा ऊपर वाला। तो देखें के की कीमत है हमारे पास 9×10^9, Q1 Q2 हमने क्या निकाला है, ये निकाले हैं 2×8×10^-14 और R², R कितना आपने लेना है, आप 2 लेना है, सेकंड वाला, वो पहले वाला पहले इनपुट करेंगे, सेकंड वाला जो दे रहा था सेकंड में, 0.02 मीटर इसका स्क्वायर। अब क्या बन जाएगा देखें, अब ये वाला 9
और ज़रब करेंगे 2.8 ये वाला, तो आ जाएगा 25.2। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, इसका आप स्क्वायर लेंगे तो ये भी आ जाएगा 0.004 डिवाइड कर देंगे, और देखें 10^-14 है, ठीक है, और 10^+9 है, ये आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेस इनकी सेम है। 10^-9, -14, -5 आ जाएंगे, ठीक है, ये आ गया 10^-5। और फोर्स क्या आ जाएगी, इनको अगर आप डिवाइड करें इस पे तो आ जाएगा 63,000। अब 63,000 को हम इधर कन्वर्ट करें 0.63 से, देखो 1, 2, 3, 4, 5 इशारे कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये प्लस के 5 और माइनस के 5 आपस में कैंसल, और ये आ जाएगा 0.063 न्यूटन फोर्स आ जाएगी। अब बढ़ते हैं 5 की तरफ। 5 में कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक पॉइंट पर पोटेंशियल कीमत 10^4 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल पर कीमत क्या है, 10^4 वोल्ट। चार्ज उस पर कितना दे रहा है, 100 मैक्रो कूलम के एक चार कोला में दूर फासले पर लाया जाए तो उस पर कितना वर्क करना पड़ेगा, हमने वर्क मालूम करना है, ठीक है, इसको हमने, तो इसमें देखें वोल्ट कितना दे रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा था 10^4 वोल्ट। चार्ज कितना दे रहा था, 100 मैक्रो कूलम, मैक्रो को कन्वर्ट करेंगे तो 100 × 10^-6, ये देखें 100 को हम 10^2 लिखेंगे, 2 यहाँ पे -6 में से चले गए, बाकी आ गया -4। हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क ओवर, ठीक है, चार्ज। तो हमने क्या मालूम करना है, हमने W मालूम करना है, तो चलो इसको इससे सॉल्व करते हैं। V कितना था, 10^4, W हमने फाइंड करना था वैसे का वैसे वर्क, ठीक है, Q हमें दिया हुआ था 10^-4, ये अब हमें निकाला है, ठीक है, इसके साथ देखें तो आ जाएगा 10^4, ये देखें W, ये वाला जो डिवाइड हो रहा है इसके साथ आके ज़रब खा जाएगा, ठीक है, 10^4 ज़रब 10^ ये वाला -4, देखें सेम है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 10^ आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये वाला और ये वाला आपस में कैंसिल, 1 बच जाएगा, या इनको देखें बेस सेम है तो पावर ऐड, पावर आ जाएगी 0, 4 में से -4 0, 10^0 या किसी चीज़ की पावर भी 0 तो वो 1 होता है, और वर्क का जो यूनिट है वो जूल है, तो इसलिए W=1 ये लिखेंगे। तो बढ़ते हैं 6 की तरफ। इसमें कह रहा है 1, 2 कॉलम के पॉइंट चार्जेस को 100 वोल्टेज पोटेंशियल वाले पॉइंट से 50 वोल्टेज पोटेंशियल वाले पॉइंट पर मुंतकिल किया जाता है। क्या कह रहा है, 2 कॉलम का एक चार्ज है, उसको 100 पोटेंशियल वाले पॉइंट से 50 पोटेंशियल वाले पॉइंट पर मुंतकिल, भाई 100 से 50 पर कन्वर्ट कर रहे हैं, चार्ज की मुहैया कदर एनर्जी क्या होगी, हमने क्या करना है, चार्ज की जो एनर्जी है वो हमने फाइंड करनी है। तो ये देखिए क्यू हमें दे रहा है 2 कॉलम, ठीक है, चार्ज +2। वी ए पोटेंशियल डिफरेंस ए पर कितना दे रहा है, 100 दे रहा है, हम कन्वर्ट किस पे कर रहे हैं, वी बी इक्वल टू है 50 पर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो उसकी मुहैया का दर एनर्जी है वर्क है वो W इक्वल टू होता है क्यू एन टू वी ए माइनस वी बी, पहले वाले से सेकंड पे जा रहे हैं तो सेकंड वाला माइनस कर दें गए उस 2, क्यू कितना है 2 और 100, ठीक है, वी ए कितना है 100 पोटेंशियल वोल्ट वी ए वाला, वी टू कितना है, वी बी कितना है 50, 100 में से 50 किया 50, 2 ज़रा 50 करेंगे तो 100 जौल, क्योंकि वर्क का यूनिट जौल या एनर्जी, सॉरी। देखें सातवें में कह रहा है एक कैपेसिटर को जब 9 वोल्टेज की बैटरी से जोड़कर मुकम्मल तौर पर चार्ज किया जाए, एक कैपेसिटर है उसको 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़कर चार्ज किया जा रहा है, उस पर 0.06 कॉलम चार्ज स्टोर हो जाता है, चार्ज कितना हो जाता है 0.06, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आपने फाइंड करनी है। वी हमें कितना दे रहा है, वी दे रहा है 9 वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज कितना दे रहा है 9 वोल्ट, चार्ज कितना दे रहा है क्यू, क्यू इक्वल टू 0.06 कॉलम दे रहा है, ठीक है, कैपेसिटेंस हमने सी फाइंड करना है, तो फार्मूला होता है क्यू इक्वल टू सी वी, ठीक है,
तो देखें क्यू की कीमत 0.6 ये वाली, और इक्वल टू सी हमने फाइंड करना है वोल्टेज की कीमत कितनी थी 9। ठीक है, देखिए 9 इधर ज़रा बोर है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0.6 0.6/9 इक्वल टू आ जाएगा सी, सी इक्वल टू आ जाएगा 0.6 0.6/9। इसको अगर आप डिवाइड करें 0.6 0.6/9 करें तो आ जाएगा 6 6 7 10^-3 कैपेसिटेंस का यूनिट फेरेड, या आपको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये -3 है ना, इधर आप 1.6 पे आ जाएगा, दूसरा 0 पे, तीसरा 0 पे, 0.00667 भी आप लिख सकते हैं अगर ये ना लिखें तो। ठीक है, ये आपका हो गया 7वां पार्ट।